अगे वधदे हुण गल करदे आं आम आदमी पार्टी की कल हुई सरगर्मी की। आम आदमी पार्टी वालों मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल की रिहायश घेरन लई भारी गिणती विच हिमायतियां दे नाल चंडीगढ़ वाल कूच किया गया। बेशक उन्हां नूं चंडीगढ़ की सरहद ते रोक लिया गया पर मुख्यमंत्री की रिहायश के बाहर पहुँचे आप आगुआं दे एक वफद ने मीडिया की मौजूदगी विच मुख्यमंत्री नाल सारे मुद्दियां ते सवाल जवाब किए। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की रिहायश करने लिए आम आदमी पार्टी आगुआ ने अपने लाम लश्कर नाल चंडीगढ़ वाल कूच किया पर वड्डे इकट्ठ में पहुंचे आम आदमी पार्टी आगुआ नूं चंडीगढ़ की सरहद के बाहर ही रोक दिता गया जिथे प्रशासन वालों आगुआ के एक वफद नूं मुख्यमंत्री नाल मिलाने लिए लिजाया गया। आम आदमी पार्टी आगुआ ने पहला राज्यपाल नाल मुलाकात कर अपना मंग पत्र सौंपिया ते फिर उस तो बाद मुख्यमंत्री की रिहायश वाल रुख किया। आम आदमी पार्टी के आगुओं के अल्टीमेटम वेखदियां अपने सारे प्रोग्राम रद्द कर मुख्यमंत्री भी अपनी रिहायश से मौजूद सन ते आम आदमी पार्टी की शर्त से मीडिया की हाजिरी मुख्यमंत्री नाल सवाल जवाब होए। आम आदमी पार्टी आगुआ नूं जिथे मुख्यमंत्री दे सामने कथित अनाज घोटाले का मुद्दा चुकया ते नाल ही किसान खुदकुशियां दे मामले ते भी मुख्यमंत्री तो जवाब मंगया जिस ते मुख्यमंत्री आप आगुआ नूं ही यकीन दवाउंदे नजर आए कि पंजाब सरकार किसान हितैषी है ते सरकार ने किसानां लई कई योजनावां शुरू कीतियां ने। हालांकि MSP नूं लैके मुख्यमंत्री ने स्वामीनाथन कमेटी का जिक्र करदे इक वार फिर गेंद केंद्र दे पाले सुट दित्ती। ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 50,000 ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੁਫ਼ਤ 50,000 ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। कथित फूड स्कैम होवे जां फिर किसान खुदकुशियां दा मुद्दा विरोधी धिरां हमलावर ने ते सरकार बचा दी पोजीशन च है। चोणां नेड़े ने सो हर पार्टी मुद्दे दे सियासी अहमियत मुताबक सियासी भेड़ च विचर रही है। चंडीगढ़ तो रविंदर ते पनीत दिना इकतार पुल जी मीडिया। बेशक मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने आप बाहर आके आम आदमी पार्टी के आगुओं नाल मुलाकात की पर बावजूद इस दे आम आदमी पार्टी के नेतावान का गुस्सा शांत नहीं होया ते ओ मुख्यमंत्री के जवाबों तो संतुष्ट नज़र नहीं आए। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी आम आदमी पार्टी के इस विरोध में सियासी ड्रामा करार दिता कि एक बार फिर दोहराया कि कोई स्कैम होया ही नहीं तो इस पर हंगामा क्यों किया जा रहा। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के आगुओं और मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल विचाले चल रहे सवाल जवाब तकरीबन 10 मिनट तक चले। किसानों की खुदकुशी कथित अनाज घोटाले किसानों को घट मिलने वाली MSP तो लैके कई मुद्दों से आम आदमी पार्टी के आगुओं वालों मुख्यमंत्री बादल वालों सवाल पूछे गए। मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने इन सारे सवालों का जवाब तो दिता पर इन सारे मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के आगू मुख्यमंत्री बादल की दलीलों तो संतुष्ट नजर नहीं आए। सारी बातों पे गोलमोल बात। हम कहते हैं तोता सिंह को गिरफ्तार करो, कहते हैं नहीं। हम कहते हैं मजीठिया को गिरफ्तार करो, कहते हैं नहीं। हम कहते हैं 12,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कहते हैं नहीं। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं? किसान मर रहे हैं, तो कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं किसानों ने यहाँ आत्महत्याएं की है, किसान मर रहे हैं, कह रहे हैं हम क्या करें। तो आपने सुन लिया क्या कर रहे हैं? तो आम आदमी पार्टी अभी अपने आंदोलन को और व्यापक बनाएगी। इनिया रुकावटां दे बावजूद, इन तशद्दुद दे बावजूद लोग बहुत भारी गिणती च इत्थे आए आ इन्नी गर्मी दे विच, और बहुत वड्डा इकट्ठ, बहुत लोग जिहड़े रस्ते दे विच डिटेन कीते गए, इहनूं असीं सक्सैसफुल कहिंदे आ। बादल ने गोलमोल गल्लां कीतियां ने, असीं बैठ के हफ्ते बाद असीं मीटिंग करके अगला प्रोग्राम जिहड़ा जल्दी तों जल्दी देवांगे। उधर घर दे बाहर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भावें बड़ी ही हलीमी नाल आम आदमी पार्टी के आगुओं ने सवालों का जवाब दिता पर इस तो बाद मीडिया नाल गलबात दौरान मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने आप दे सारे इल्जामों का सख्ती नाल जवाब देंदे नजर आए। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आप दी रैली नूं ड्रामा दस्या ते किसी भी तरह के अनाज घोटाले तो इनकार किया। अज वाला कोई इशू नहीं, ड्रामा जहाँ किया आपका जो सा पानी के वजह नाल इन्होंने गल हुई है ना, वो कवर करना से। असी आप सेंट्रल गवर्नमेंट नूं आख्या ये रिकॉर्ड चाह के ये सारा जिन्ना फूड का हिसाब है ये साडा करो मकाओ जवाब दे गए। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਚਲੋ ਇਹ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਓਲਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ
ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹੋਪਲੈਸਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਪੁਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਭੁੱਲਰ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।